एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस चटनी साउथ इंडियन स्टाइल। ये चटनी बहुत ही डिलीशियस बनती है। आप जो डोसे के साथ आपको बाहर रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं ना रेड कलर की, वही वाली चटनी है। आप इसे डोसे, उत्पम, किसी के साथ भी खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्याज, अदरक ली है, 1 मीडियम साइज़ प्याज, अदरक को मैंने चॉप कर लिया है, 1 मीडियम साइज़ नॉर्मल कटा हुआ, स्लाइस कटा हुआ मैंने यहाँ पर टमाटर लिया है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है इमली का पानी। ये थोड़ी सी इमली है, इसको मैंने भिगो लिया था, तो इमली का पानी भी हम यूज़ करेंगे इसमें। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है शक्कर, आप इसकी जगह गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास गुड़ नहीं था तो इसलिए मैं शक्कर यूज़ कर रही हूँ, तो आप गुड़ और शक्कर में से कोई भी चीज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर मैंने लिया है कड़ी पत्ता, करी लीव्स। हर साउथ इंडियन चीज़ में कड़ी पत्ता तो जान होती है, तो कड़ी पत्ता ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा मेरी इस वीडियो को। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो सबसे पहले मैंने गरम ऑयल में राई डाली है। अगर आपके पास राई नहीं है तो आप सरसों के दाने भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ये देखिए जो राई है वो हमारी क्रैकल हो चुकी है अच्छे से। देन नेक्स्ट फेज में ऐड करूँगी सूखी लाल मिर्च। मैं यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ सूखी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ। लाल मिर्च आप जब भी डालें तो उसको तोड़ के डालिएगा। एंड थोड़ा सा इसे सॉटे कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट फेज में डालूँगी करी लीव्स, तो करी लीव्स को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे, थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। एंड नेक्स्ट फेज में डालूँगी चना दाल। एंड नेक्स्ट चना दाल के बाद मैं इसमें डालूंगी वाइट वाली उड़द की दाल। सो फ्रेंड्स, चना दाल और उड़द दाल आप ज़रूर डालिएगा, वो इस रेसिपी के लिए मैजिक का काम करती हैं। इससे जो फ्लेवर आएगा ना आपकी चटनी में, सीरियसली बहुत ही ऑसम आता है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो इनको भी हमने थोड़ा सा भून लिया है। देन नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर दूंगी अदरक और प्याज। तो इनको हमें जस्ट 2 मिनट के लिए भूनना है मीडियम फ्लेम पर, हल्का सा कलर चेंज हो जाए। देन हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर, तो जो जिनको मैंने नॉर्मली काटा है, ज़्यादा बारीक चॉप नहीं किया है। एंड इसमें ऐड करूँगी बेगी मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च। इससे आपकी जो चटनी है उसमें बड़ा ही अच्छा कलर आएगा। एंड इसके ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट एज़ पर द टेस्ट। एंड सॉल्ट ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूँगी शक्कर। अगर आपके पास शक्कर नहीं है तो आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास गुड़ नहीं था तो मैंने शक्कर डाली है। एंड लास्ट में इसमें ऐड कर दूँगी इमली का पानी और इनको सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को टमाटर प्याज के साथ। और इसको हम पकाएंगे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढककर। सो 2 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। सो फ्रेंड्स, 2 मिनट बाद आइए एक बार चेक कर लेते हैं हमारी चटनी का मसाला कैसा है। एंड आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली अच्छे से पक चुके हैं टमाटर, बिल्कुल भी ग्रेवी टाइप का नहीं बनाना है क्योंकि एट द लास्ट हमें इसको पीसना ही है। अब आप एक काम कीजिएगा, गैस के फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। एंड अब हम इसको पीसेंगे, बट उससे पहले हमें इसको अच्छे से ठंडा करना है मिक्सी में पीसने से पहले। तो ये जो मिक्सर है ये ठंडा हो चुका है, तो हम इसको आप एक जार में डालकर पीसेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि पीसने से पहले ये मिक्सर अच्छे से ठंडा होना चाहिए, वरना क्या होता है कभी कभार गर्माहट की वजह से ये ढक्कन खुल जाता है एंड सारा मसाला आपके किचन में फैल जाएगा। तो ये देखिए जो हमारी चटनी है वो बिल्कुल तैयार है। तो आइए इसको ट्रांसफ़र करते हैं हम एक बाउल में। सो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। तो इसको मैं गार्निश करूँगी थोड़े से धनिया पत्ते के लीव्स के साथ। तो थोड़ा सा धनिया पत्ता मैं इसके ऊपर डेकोरेट करूँगी। सो ये देखिए हमारी टेस्टी एंड डिलीशियस साउथ इंडियन स्टाइल अनियन, टमाटो एंड जिंजर की चटनी बिल्कुल तैयार है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये चटनी खाने में कैसी है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसको खुद घर पर ट्राई करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये चटनी कैसी बनी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को